हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, वी वर इन अ ग्रुप, कि ये सर गलत बता रहे हैं, लेट्स करेक्ट हिम। उनका प्रोनंसिएशन एक वर्ड को लेकर के गलत था। आप अभी भी हो क्या उस कॉलेज में? नहीं सर। अब नहीं हो, मतलब कोई डर नहीं है ना कैमरे? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। आई सेड कि सर वो शायद ऐसे नहीं वैसे होगा, तो ही वाज लाइक कि ये कितने उंगली है? तो ये पांच है। नहीं ये दो है। नहीं सर ये पांच है। नहीं ये दो है, मैं कह रहा हूँ ये दो है, ठीक है? तो तुम एग्जाम में तुम्हें पास होना है तो तुम दो ही लिखोगी, ठीक है? एंड आई आफ्टर दैट मुझे उस सब्जेक्ट में कभी उन्होंने फुल मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मैंने उनको ट्रोल कर दिया कि आपकी इंग्लिश गलत है। आप भी थोड़े मजे लेते सर, ये पांच है सर, सर आपने तो हमारे सारे फंडे हिला दिए, आप कहाँ थे पहले? मेरे फादर ने एक बार बोला था कि एलिफेंट होता है, तो मैंने कहा नहीं, मेरे सर ने बोला है कि एलिफेंट होता है। एलिफेंट होता है, एलिफेंट ही है, एलिफेंट ही है। पापा को भी हाथ दिखा देते हैं। पापा कितनी उंगली है? मेरे सर ने बोला है। आप वैसे क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो? सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिजाइन। साथ साथ में थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी में भी ट्राई मार लो। हाँ सर, मैं ये करती थी लाइक अपने क्लास में, अपने फैमिली में मैं ट्राई करती थी, बट सब मुझे अंडरएस्टिमेट करके कहने लगे कि क्लैट में चली जाओ, तो मैंने ये काम छोड़ दिया। अरे आप लोग ना इनके एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, तो बड़े कमाल के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं इस वक्त, मतलब अंदर आपके ना एक कॉमेडियन छुपा हुआ है, आपको खुद को पता नहीं है। हाँ सर बट छोड़िए। बट क्या? नहीं सर, मेरे लाइफ में बट नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को जो भी बोला है कि मुझे करना है उन्होंने करने दिया है। बट इट्स लाइक कि सबका एक मेंटालिटी होता है कि आप एक डिसेंट 9 to 5 जॉब ढूंढ लो, उसके बाद डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन वाला हाल है। सो इफ यू वांट टू ग्रो, गो फॉर क्लैट, बिकॉज मैंने बहुत बार डिबेट्स भी किए हैं, तो उन्होंने कहा या तो क्लैट करो या तो क्लैट क्या होता है वैसे? सर लॉ की तैयारी होती है सर, वकील बन जाओ। आपने ड्रेस भी वकीलों वाली पहनी हुई है, आप वकील बड़े सही बनोगे, सही बता रहा हूँ। और कोर्ट में कॉमेडी की इतनी जरूरत है, इन दोनों चीजों को मिला दो ना, जज वैसी देख के मतलब कहेगा उसका वेट करेंगे, वो वकील आएगी तब कुछ माहौल बनेगा यहाँ पे, सब बाकियों का नौकरी चली जाएगी ना? बाकियों की? अरे कॉन्फिडेंस, यू विल बी अ लॉयर राइट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? मैंने नहीं चूज किया ना क्लैट। अच्छा आपने नहीं चूज किया? आई थॉट आपने कर लिया। मैंने डिजाइनिंग चूज किया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, उसके पीछे एक स्टोरी रिलेट करना। अब जैसे अगर वो कैमरा ही है तो वो भी क्या सोच रहा होगा, कब से मुझे यहाँ खड़ा करके रखा है यार एक ही पोजीशन पे, मतलब उस तरह की चीजें मुझे। ओ भाई क्यों सोच रहा है? अरे अरे सर आप, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सारे मेरे को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, वाह मैं बन गया सेलिब्रिटी। क्या क्लैप मारा है मेरे एंट्री पे। ऐसा भी सोचता हूँ मैं। मैं क्रिएटिव फील्ड में इसलिए जाना चाहती थी बिकॉज एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पीछे भी आई कैन क्रिएट अ स्टोरी कि वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त, या वो क्या लाइक एक पिक्चर बनाया अगर, तो उसके पीछे तुरंत यूं एक स्टोरी कहानी बन गई कि मतलब कहानी और उसके पीछे क्या है। हाँ। जैसे आपका माइक अभी हाथ में है, माइक क्या सोच रहा होगा? मेरे को आप जगह जगह क्यों नहीं बांट रहे, कितनी देर से एक इंसान ने पकड़ रखा है मेरे को। नहीं लेकिन इंसान अच्छा है तो माइक तो खुश हो रहा होगा, वैसे मेल है। क्या है ये? मेल है, माइक होता है, माइक होती थोड़ी है। नहीं, माइक खुश हो गया, हटाना चाहती हूं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर, क्योंकि ये जो इन्होंने बोला है यहाँ पर, ये बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए। सबके घर में ये चीज होता है कि आलू को हर सब्जी के साथ ये कर देते हैं, आलू इज सो कैरेक्टरलेस। आलू इज सो कैरेक्टरलेस। फिर मैंने बहुत सारी स्टोरी बनाई हुई कि आलू ने, आलू और भिंडी का अफेयर हुआ होगा, आलू ने भिंडी को प्रपोज किया होगा, भिंडी सेक्सी है तो भिंडी ने मना कर दिया होगा, तो आलू एकदम एग्रेशन में आ गया, मुझे कैसे मना कर दिया, अब देखना मैं सबके साथ अफेयर चला। उसके बाद से आलू सबके साथ है और भिंडी बेचारी अकेली है। भिंडी हमेशा अकेली होती है, भिंडी हमेशा अकेली होती है। उसकी ज्यादा से ज्यादा प्याज के साथ बनती है, वो भी बदबू होती है प्याज की, डीओ वीओ नहीं लगाता है। भिंडी को बहुत घमंड था ना, तो भिंडी कर्मा ने स्लैप कर दिया, तो भिंडी अब अकेली है, भिंडी बिल्कुल अकेली सबके साथ है, आलू इज वेरी फ्रेंडली, तो आलू सक्सेसफुल हो गया। आलू सक्सेसफुल हो गया, तो बनना है तो आलू की तरह बनो।